सोलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमने ट्रेड ले लिया आज का। सो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है और ट्रेड के बाद लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। सो वेट करते हैं और देखते हैं। सो फ्रेंड हमारा ट्रेड हो चुका है कंप्लीट और आज हम लोगों ने छोटा सा लॉस बुक कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो लॉस हुआ है वो अराउंड यहाँ पर 410 रुपये का हुआ है। ठीक है, बहुत छोटा सा लॉस। इसमें मैंने दो ट्रेड किया था, ठीक है, एक में 200 का लॉस हुआ था, एक में 200 का। तो अराउंड ये 410 रुपये का लॉस हमने बुक किया, ठीक है। लेकिन जो हमने ट्रेड लिया था काफ़ी अच्छा ट्रेड था हमारा, और लेकिन ये है कि गलत जगह पर बाइंग हो चुकी थी, इस वजह से हमें लॉस भी बुक करना पड़ गया। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ट्रेड कहाँ पर लिया था, कब लिया था, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेड लिया था 39700 की पी में लिया था, यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पर मैंने बाइंग की थी, ओके, यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा बाइंग की कैंडल है और यहाँ पर अराउंड मार्केट 31 पॉइंट तक गया था, एंड देन मार्केट घूम के नीचे आ रहा था और मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने SL बहुत छोटा सा रखा था, सिर्फ 9-10 पॉइंट के करीब था, तो उसमें मेरा ऐसे लेट हुआ। देन मैंने फिर से एक ट्रेड और लिया था सेम SL पर, सेम हमारा जो बाइंग प्राइस थी उसी पर, तो फिर से देखेंगे मार्केट में हमारा यहाँ पर फिर से हमारा लॉस हुआ, ठीक है। इसी कैंडल देखेंगे, इस वाले कैंडल पर लिया था और इस वाले कैंडल पर हमारा लॉस बुक हुआ, एंड देन मार्केट उसी जगह से घूम के अपर साइड का मोमेंटम अच्छा खासा करने लगा, ठीक है। जो मेरा टारगेट था अराउंड 100 पॉइंट का आप लोगों ने देखा होगा, तो 100 पॉइंट का टारगेट अराउंड यहाँ पर हमारा देखिए हिट हो चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, आने के बाद यहाँ पर फिर से एक अपर साइड का मोमेंटम किया और अब की बार जो किया था काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपर साइड का मार्केट ने किया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर मैंने जो रूल बनाया अपना, मेरा रूल था कि मैं दिन में एक ही ट्रेड करने का, तो सिर्फ 200 रुपये का लॉस हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक और ट्रेड ले लेते हैं, देखते हैं अगर इसमें हो जाएगा प्रॉफिट तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो फिर से मेरा उतना ही यहाँ पर लॉस था, सिर्फ 9 पॉइंट के करीब, 8-9 पॉइंट करीब, और इसमें हमारा ऐसे लेट हुआ और जैसे ही ऐसे लेट हुआ मार्केट यहाँ से बूम कर गया, ठीक है। मैं देख रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है पर मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरा यहाँ पर रूल नहीं कह रहा था कि यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए। और जो हमने ट्रेड लिया था उसका यहाँ पर रीज़न एंड लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमने ट्रेड लिया था इस बिहाफ पे लिया था, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर आज वॉलेटिलिटी था इसलिए यहाँ पर SL हिट हो गया, ठीक है। अदरवाइज़ 9 पॉइंट के SL में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, तो कोई बहुत बड़ा लॉस इसीलिए हम लोगों ने नहीं लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, मार्केट नीचे आया, आने के बाद यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, एक अपना सपोर्ट क्रिएट किया, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट ब्रेक किया, तो मैंने इसी जगह पर एंट्री ले ली थी और देन मार्केट ऊपर गया फिर से नीचे आया, तो यहाँ पर हमारा एक वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पर SL हिट हो गया, ठीक है। तो मुझे मॉर्निंग से पता था मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, इसका रीज़न क्या था यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे चार्ट में। देखिए यहाँ पर ये मार्केट का 50% का एरिया था, ठीक है, ये मार्केट का 50% का एरिया था। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता देन मार्केट अगर यहाँ तक आ सकता था 40,000 के आसपास, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं मार्केट घूमना शुरू किया और ये 50% का एरिया किस तरीके से निकल गया था। अगर आप इसको मार्क करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको अगर मार्क करेंगे पूरा तो हमारा ये 50% का एरिया था और 50% का एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। तो इस वजह से मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया और मुझे पता चल गया कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड ही गिरेगा। देन मैंने ये है कि थोड़ा टाइमिंग का इश्यू हो गया, मैंने गलत जगह पर एंट्री ले ली या फिर हमारा SL छोटा था, ठीक है, दो चीज़ कह सकते हैं, या तो हमने SL अपना छोटा रख दिया था या फिर मैंने जो ट्रेड लिया था वो थोड़ा सा पहले ले लिया था, ठीक है, हमें थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर लेना था तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर पॉइंट कैच हो जाता, तो कोई बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये छोटा सा SL बुक किया और यहाँ पर हमारा जो लॉस हुआ वो सिर्फ यहाँ पर 400 रुपये का लॉस हुआ। 400 रुपये का लॉस इसलिए भी लिया क्योंकि प्रीवियस डे हमारा प्रॉफिट अराउंड 1000 करीब था, तो मैं पूरा प्रॉफिट देना नहीं चाहता था आज के दिन, जो लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने 400 रुपये पर मैं रुक गया, ठीक है।
तो जितना छोटा एसएल हो सके उतना छोटा रखिए, क्योंकि ऐसा मार्केट बहुत बार मिलता रहता है। लेकिन वॉलेटिलिटी भी थी, जिस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम भी किया है, अच्छा है किया है, बट यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी थी। मार्केट कल की तरह ही मूव कर सकता था ऊपर नीचे दोनों तरफ। देखें कल का दिन भी मार्केट क्या किया था, ऊपर भी जा रहा था नीचे भी आ रहा था, सडनली ऊपर जाता था सडनली नीचे आता था, पता नहीं चलता था मार्केट कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। ठीक है, देखेंगे ये ऐसे बिहेव किया था तो आज भी सेम वही हो रहा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा आज मोमेंटम में मार्केट काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी मार्केट नीचे गिरा है, कोई यहाँ पर देखे पूरा प्राइजेक्शन बनाते हुए मार्केट गया है। ठीक है, तो आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम कल से अच्छा था, बट आज भी मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा ही थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया और यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था ये था। और आई थिंक मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, तो कमेंट करके बताइए कितना प्रॉफिट किया आप लोगों ने। ओके, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।